आपको याद है एक गिफ्ट मिला था हमको ताइवान से 14 अप्रैल वाले दिन, जिसमें बहुत सारी बुक्स आई थी, फिर से आया है। और इस बार उस गिफ्ट की एस्टिमेट प्राइस मेरे हिसाब से 50,000 रुपये है। आइए देखते हैं। ये बुक आई है द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन ताइवान से, और ये भेजी गई हैं मुझे अंचल बमरौलिया। इस बार उन्होंने 32 क्वांटिटी लिखी हुई है। अब ये 32 कौन सी बुक्स हैं वो देखते हैं। अब हम इसको और खोल के देखें में कौन सी किताबें भेजी हैं उसने। तो बॉक्स खोल लिया है और इसमें बहुत सारी किताबें और एक बॉक्स ये है। इस बार दो बॉक्स भेजे हैं और लग रहा है कि करीब 32 बुक्स हैं जैसा लिखा हुआ था, और 32 बुक्स इसमें, मतलब इस बार 64 बुक्स भेजी है इनने। माय गॉड, कौन सी बुक्स भेजी हैं वो देखें जरा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पिछली बार ये सिर्फ दो किताबें भेजी गई थी और इस बार इनने 64 बुक्स भेजी हैं, और इस बुक की सबसे ज़्यादा डिमांड थी पिछली बार। हर कोई ये बोल रहा था उन्हें ये वाली बुक्स चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरी कलर्ड और बहुत ही नाइस तरीके से जो पेपर क्वालिटी, ग्लॉसी पेपर है, इतनी मतलब जो महंगी मैगजीन्स होती हैं उनका भी पेपर इतना अच्छा नहीं होता है। पिछली बार जो बुक्स भेजी थी उसमें ये वाली बुक सबसे ज़्यादा थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब ये सारी बुक्स भी मैं गिव अवे करने वाला हूँ, लेकिन उसका तरीका कुछ और होगा। बुक्स को पाने के लिए आपको आखिरी में एक तरीका बताया जाएगा, और जो एग्जैक्टली वो तरीका करेंगे उन्हीं को मैं ये 100% भेजूंगा बुक। दोस्तों, ये सारी बुक्स मिलाकर 64 होनी चाहिए थी, लेकिन ये निकली है 63, और इसमें से एक बुक निकाल ली गई है और ये आई है इंडियन पोस्ट से। तो हमारे पास जो है वो ये बुक इस बार भंडार आया है इस बुक का, और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी इस बुक के बारे में कि इस बुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बुक थी। अब इस बुक के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये बुक जो है वो शाक्य मुनि बुद्ध की सचित्र रंगीन हिंदी कथा है, जो कि हरिकेश शरण जी ने लिखी नहीं है, इनने इसका अनुवाद किया है। अब हरिकेश शरण जी कौन है, अगर आप बुक को खोलते हैं, ये हमारा स्टिकर है जो हमने लगा दिया इस पर, ताकि जब भी आप बुक खोलें तो हमारी आपको हमें याद रखें आप। यहाँ पे बुद्ध की एक तस्वीर है, ये एक्चुअली एक स्टैचू है जो नई दिल्ली में संग्रहालय में रखी हुई है। ये यहाँ भी हरिकेश शरण जी का नाम लिखा हुआ है। हरिकेश शरण जी जो है वो 1975 में भौतिक विज्ञान से उन्हें डिग्री प्राप्त की थी। उनने करीब 40 साल से बुद्ध की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों का अनुवाद किया हुआ है, और उसी तरह उन्होंने इस किताब का अनुवाद भी किया हुआ है। ये जो किताब है द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन ताइवान से प्रकाशित हुई थी, और ये उस समय मतलब ऐसा ही नहीं है कि ये हिंदी या इंग्लिश में जो है वो बनी थी। हरिकेश शरण जी बताते हैं कि उन्हें बोध गया में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रांगण में एक ये किताब देखी थी, जो कि इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज में थी, और वो इस किताब से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उनके मन में ये जागा कि मैं इस किताब को हिंदी में भी लिखूं, ताकि जो लोग हिंदी समझते हैं वो भी इस किताब का पूरा लुत्फ ले सकें। अब इस किताब में क्या खासियत थी कि इसमें 218 जो हैं वो बहुत ही कलर्ड फोटोग्राफ थे, जो पूरे बुद्ध के जीवन में क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताते हैं इसमें। अब अगर आप इस किताब को देखेंगे यहाँ पर, तो इस किताब को हिंदी भाषा का अनुवाद जो है हरिकेश शरण जी हैं, इसके रंगीन चित्रकार जो हैं वो यान फंगली हैं, अंग्रेजी भाषा से अनुवाद जो किया है वो प्रोफेसर जे ए लू ने किया है, हिंदी भाषा के चीनी भाषा में अनुवाद जो है वो भिक्षु जैन है ने किया हुआ है, और थाई भाषा
इसकी मूल तस्वीरें और व्याख्या गुप्ता जो है वो गुन्ना पायुता ने किया हुआ है। मतलब ये एक ऐसी किताब है जो कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, क्योंकि किताब की जो सुंदरता और जो जिस तरह से इसमें बुद्ध की कहानी लिखी हुई है उसका कोई मैच नहीं है। मतलब ये अगर 5 साल या 6 साल का लड़का जिसे हिंदी पढ़नी आती है वो भी इस किताब को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले कर एक एक पॉइंट के साथ। आप देखेंगे 9 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा राजा शुद्धोधन दुविधा में पड़ गए और उन्हें साधु असित से रोने का कारण पूछा। ये तब की कहानी है जब बुद्ध का जन्म हुआ था और वहाँ पे एक साधु थे असित साधु, वो वहाँ रोने लग गए थे और वो इसलिए रहे थे कि उनको ये पता था कि ये बालक बड़े होके जो है वो बुद्ध बनेगा और उस समय तक वो जिंदा नहीं रहेंगे, इस वजह से वो रो रहे थे। तो ये किताब इतनी गजब की है ना कि कोई भी व्यक्ति इसके हाथ में किताब आएगी ना वो पढ़े बिना रह नहीं पाएगा इसको। अब इसमें और बुद्धान इस धम्मा में क्या अंतर है? ये एक्चुअली बुद्ध की कहानी है जो कई सालों से प्रचलित है और जो चली आ रही है, और बाबा साहब ने इसी कहानी का जो है रिसर्च किया है कि इसमें कहाँ कहाँ गलत चीज़ें जोड़ी गई हैं और कहाँ कहाँ सही चीज़ें हैं, उस चीज़ को जो है उनने चेंज और मतलब बता के उस चीज़ को उन्होंने अपनी एक बुक है बुद्धा इज धम्मा द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन, इन्होंने ये किताब छापी है। और इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, एक तो ये कि यहाँ पे भगवान लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था बुद्धा और उनका धम्म, बट हो सकता है कि वहाँ पे जो अनुवादक बैठे होंगे जो उस समय फ्रंट पे डिज़ाइन कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप बुद्धा इज धम्मा को उनने मिस कॉन्सेप्ट होकर उनने शायद ये लिख दिया होगा। यहाँ पे बाबा साहब का नाम भी पूरा लिखा हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें पूरा नाम लिखे होने में, भीमराव रामजी अम्बेडकर, लेकिन अंदर का जो बुक है इस पूरी बुक में बाबा साहब की किताब को हिंदी में अनुवाद करके लिखा हुआ है। तो ये बुक भी अच्छी है, थोड़ी सी प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी थोड़ी सी मेरे ख्याल से डार्क ज़्यादा हो गई है, अदरवाइज बुक बहुत अच्छी है। ये काफ़ी हैवी बुक है और एक बुक सबके पास होनी चाहिए। इसका बुक का प्रिंट 2015 में हुआ है और 10,000 कॉपीज छपी थी उस समय, जो अभी तक चल रही हैं। उसी तरह से इस बुक का जो प्रिंट है अक्टूबर 2017 में हुआ है और 5,000 कॉपी छपी थी, जिनमें से 63 कॉपीज हमारे पास आ चुकी हैं और 2 कॉपीज इससे पहले आई थी, मतलब टोटल मिलाकर 65 बुक्स हमारे पास आई हैं। ये बुक सच में अच्छी है, क्योंकि आप इस बुक को अगर आप अपने घर में होती है तो आपके बच्चे भी इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार किताब है, मुझे आज तक ऐसी बुद्ध की किताब को मैंने देखी नहीं। अगर आप इस तरह की बुक्स अगर पढ़ते हैं तो आप कोई बड़ा व्यक्ति होगा वो तो पढ़ लेगा इन बुक्स को, लेकिन इसे बच्चे नहीं पढ़ सकते। बच्चों को ये किताब बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर आप इस किताब को देखेंगे ना तो इस किताब में बहुत ही शानदार तरीके से पिक्चराइजेशन दिया हुआ है, एक एक चीज का पिक्चर बना हुआ है और उसके उसके बारे में लिखा है और सिर्फ 5 लाइनों में लिखा हुआ है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं ए फॉर एप्पल, अब अगर उस समय हमें कोई एप्पल देकर दिखाए कि ये एप्पल है और इसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी याद रख पाते हैं। या किसी एप्पल की तस्वीर अगर आपको दिखाई जाए और उस तस्वीर को दिखाने के बाद आपको बताया जाए कि ये एप्पल है तो आप उसे जल्दी याद कर पाएंगे। उसी तरीके से ये किताब में फोटो दिया हुआ है उस सिचुएशन का और सिचुएशन में क्या हो रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। आपको ये दोनों किताब पढ़नी चाहिए, ये एक सेट है। ये बुद्ध की कहानी है जो कई सालों हजारों सालों से चली आ रही है और इसमें 35 वर्ष लगा के बाबा साहब ने एक अपनी किताब लिखी है बुद्धा इन धम्मा। इसके अंदर जो बुद्ध के धर्म में धम्म के अंदर जो भी गड़बड़ियाँ लिखी गई हैं उसको इस बुक में क्लियर किया गया है। अगर आपने ये 2 किताबें पढ़ी हुई हैं तो बुद्ध के धम्मा के बारे में आपको सब कुछ पता है। तो ये किताबें मैं गिव अवे करने वाला हूँ, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग होगा इस बार।
ये ताइवान से आया है। ताइवान से आया ना यूट्यूब पर डाल दिया था। कुछ किताबें बांट दी हैं और कुछ बची हुई हैं और लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं ये किताबें पाकर। और काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है बुद्ध के बारे में कि बुद्ध के जीवन काल में क्या क्या हुआ था। और अभी भी बहुत सारी किताबें बची हुई हैं। अगर आपको इन बुक्स चाहिए तो आपको चार काम करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और उसके बाद इस वीडियो में 4 डिजिट का एक कोड दिखाया गया है, उस कोड के साथ आपका घर का एड्रेस मुझे ईमेल करना है बौद्धों के लिए एक वसीयत छोड़ के गए थे, क्योंकि बाबा साहब का ये अंतिम ग्रंथ था। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो परिनिर्वाण होने पर बाबा साहब ने, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने उस ग्रंथ को पूर्ण करने के बाद उनको लगा कि मेरी एक जिम्मेदारी लोगों को देने की, जो ग्रंथ धम्म को मैंने अपना लिया है परंतु ग्रंथ देने की जरूरत जो पड़ी थी, तो बाबा साहब का ये अंतिम ग्रंथ है जो समाज को बाबा साहब ने वसीयत के नाम से दिया है। और ये वसीयत, ये बौद्धों की वसीयत है। इसे हम लोग केवल एक छोटी सी किताब समझकर या कोई पुस्तक समझकर हम लोगों को उसको नहीं समझना चाहिए। बाबा साहब द्वारा रचित, बाबा साहब द्वारा लिखित इस ग्रंथ को, ये बौद्धों का सबसे पावन, सबसे पवित्र और सबसे बड़ा ग्रंथ है। जिस तरीके से लोग कुरान को पढ़ते हैं, जिस तरीके से लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जिस तरीके से लोग गीता को पढ़ते, कुरान को पढ़ते हैं, वैसे ही बौद्धों का ये ग्रंथ बड़ा पावन और पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को केवल पढ़ना ही नहीं है तो इसे अपने घर पे रखकर इसका अनुसरण भी करना है, अपने परिवार को भी देना है और सब लोगों को बांटना भी।